संगवारी हो, आज मैं आगे हूँ रायपुर, आप मन ल दिखाने वाला हूँ लोकेश देवांगन सर के घर। तो चलिए चलथन कॉलोनी अंदर और आप मन ल दिखाथन ओकर घर और आप मन से सर ल मिलवाबो तको। ये देखो काफ़ी सुंदर नज़ारा है कॉलोनी के, संगवारी हो आप मन देख सकत हो। संगवारी हो ये जो घर दिखत यही हरे हमर लोकेश देवांगन सर जी के घर, आप मला अंदर चलथन और अंदर के व्यू दिखाथन। और ये सर के कार खड़े हवे देख सकत हो। और ये देखो हमार सीजी लाल भाई मिल गए। जय जोहार भाई हो, जय जोहार संगवारी हो, मैं आपके दोस्त सीजी लाल भाई मिल गए है, बड़े दिन बाद मिले हैं भाई से, मुझे खास करके बहुत अच्छा लगा था भाई। हमरो चैनल पर कुछ बोलना चाहो दस संगवारी हरे, अरे दस संगवारी चैनल सब्सक्राइब कर दो संगवारी हो, मेहनत कर बेचारा ठीक है ना, तो अपन भी सपोर्ट कर रहा ठीक है ना भाई के चैनल सब्सक्राइब कर दो। लोकेश देवांगन सर के घर आया, ब्लॉग वगैरह बनावा था, बहुत मजा आवा था देखावा था भाई। ठीक है धन्यवाद भाई, आप इतना बोले हमारे लिए। अब अपन लागे थोड़ा कुछ बताबो ठीक है भाई, बाकी अभी ब्लॉग। हां तो हमारे सर के कार हैरियर, टाटा हैरियर ये काफ़ी चलत है, अभी ट्रेंड में है और देख सकत हो आप मन सर के घर ला। ये देखो यही सर के घर के अंदर काफ़ी हरा भरा माहौल है संगवारी हो, आप मन देख सकत हो प्रकृति से जुड़े हुए सर है। और ये देख सकत हो आप मन काफ़ी सुंदर माहौल है घर के, देखो हमारे हाथी महाराज बैठे हैं, खड़े हैं। ये सर के झूला रखाए हुए हैं देख सकते हो आप मन। जैसे कि आपने देखा तो ग्रीनरी मतलब पसंद है। हाँ, और अंदर के तो अपन दर्शन कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। ये मुझे छोटे से कार खड़े हैं, बड़ा मुश्किल से भी ले हूँ मैं, बहुत प्यार से रखे हुए लम्बे हैं। और मोर फेवरेट जगह है ये बादाम के वृक्ष के नीचे में, यहाँ भी बारिश की वजह से हम गद्दा हटा दे सर, भी सर बादाम के वृक्ष है यहाँ से अभी गद्दा हटा दें करके बारिश करके हम ये पर बैठ के ना हमारे मन के शाम को ये मेरे बैठ के चाय वाय पी डरथन। हालांकि ये रोड हरे पर ये रोड भी हमारे अपने हरे समझ करके मोर घर के सामने में तो पसंद मोरे रोड हरे, यहाँ चार पाँच चेयर बिठा के शाम के हम बड़ा इंजॉय करथन। और ये जगह मुझे काबर पसंद है, ये घर काबर अच्छा लगे, ये घर ला काबर खरीदो मैं है। कारण मैं बचपन से सपना देखत रहे हूँ, बचपन से मतलब जब से थोड़ा बड़े हुए कि मोर घर ऐसे जगह में होना चाहिए जहाँ मोर घर से मोर मम्मी निकले और सीधा सामने में मंदिर, क्योंकि मोर मम्मी बहुत पूजा पाठ वाली है तो सामने में मंदिर होना चाहिए। और आप मैं देख सकत हो कि यहाँ से जो सामने मंदिर ये ठीक है तो ये सामने में मंदिर है ना घर के सामने से। और ये रोड में आप देखो आधा एक घंटा भी खड़े रहो ना कोई गाड़ी नहीं आए, दो चार घरे देख रहे हैं। तो मोर लड़की है एमर दिन भर ना स्केटिंग करते, साइकिलिंग चलाते, एमर दिन भर दौड़ते, कोई मुला खतरा नहीं लगे कि कोई साइकिल या कोई बाइक वाला कोई कार वाला ठोक दी इसे नहीं लगे। तो ये देख सकत हो बादाम इमर बड़े बड़े बादाम भी खिले बार सर, पहली बार हम बादाम के बीच बड़े बड़े बादाम है देख रहे हैं, बादाम के गुच्छा देख रहे बादाम खिले आओ मंदिर देखता। अच्छा सर घर कब मतलब ये जस्ट कोरोना के पहली ना, कोरोना के जस्ट पहले मतलब आज ठीक तीन साल होवत है। अच्छा, तीन साल होवत है। अच्छा सर जितना बाहर से दिखा उतना अंदर से सुंदर, हम पिछले वाला वीडियो में देखे हैं। अच्छा सर ये
घर ला अचीवमेंट करी, लेकिन कितना मेहनत आप मन कर रहे हो भाई। मेहनत का है घर ना, आदमी की जिंदगी भर के अचीवमेंट होते दो अक्षर के लिए घर। बड़ा जो बोलथन हमन जिंदगी के सबसे बड़ा अचीवमेंट में होते, एक शादी होते, एक घर बनाना होते, तो घर बनाना एक बहुत बड़े बात होते। और मैं बड़ा मतलब बहुत मेहनत करके और बहुत सपना देख के घर ला बनाया हूँ, और जैसे मैं सोचा रहे हूँ वैसे ये घर बने हैं, जैसे मैं सपना देखा रहा हूँ इसलिए घर बने। बजट वजट कुछ शेयर करना चाहता था बजट भाई गरीब आदमी है, छोटा मोटा पैसा इकट्ठा करके बना डर है कि इसमें करके चलो बजट ला का बताऊं, बस है कि अपन जिंदगी के पूरा जमा पूंजी लगा पाना है। सही बात है। हां मंदिर चले, क्लब हाउस मंदिर तो मोर घर के ठीक सामने चालू है भैया, मोर घर के ठीक सामने मंदिर है, मोर घर हरे यहां से ऐसे क्रॉस करें, बढ़िया शानदार सुंदर से मंदिर है और ये घर के ठीक सामने, मतलब और घर से मंदिर के बीच के डिस्टेंस वही शायद 50-60 फीट, 50-60 फीट का मंदिर। और यहाँ सुबह शाम मोर मम्मी और मोर वाइफ दोनों जन बहुत भक्ति भाव वाला हरे। मोर यहाँ आप मतलब कल बता नहीं पाया हूँ, मोर यहाँ केवल मैं गलती से बोलते हैं चार मेंबर है, मोर मम्मी, मोर वाइफ, मोर बिटिया और मैं। मोर यहाँ लड्डू गोपाल खेलो थे, लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल रखे ना हमन, हाँ मोर घर में 5 जन है ठीक है, लड्डू गोपाल मिला के। तो यहाँ पे बढ़िया मंदिर में सुबह शाम मोर वाइफ और मोर मम्मी यहाँ पूजा पाठ करे बराती हूँ, और मोर वाइफ हाँ बहुत बढ़िया भजन गाते, मोर वाइफ हाँ बहुत अच्छा सिंगर है। तो ये मंदिर में रोज या आए दिन जब भी कोई फंक्शन होते ना, मोर वाइफ हाँ यहाँ आए पर आके बढ़िया बढ़िया गाना गाते, तमाम सब इंजॉय भी करते हैं। किसने भगवान के मंदिर? हाँ सब भगवान है, जूता उतार के जाल लगी रहा है ना, जूता उतार भगवान के है। सामने में भोले बाबा शंकर भगवान है, गणेश भगवान है, ये कृष्ण भगवान है, ये दुर्गा माता है, और ये हनुमान भगवान, हमारा हनुमान भगवान सब टाइप के है। और यहाँ कॉलोनी में एक अच्छा चीज है, सब त्योहार इतना अच्छा मनाते ना, इतना बढ़िया मनाते, गदगद हो गया आदमी। ये साल हमारे यहाँ दशहरा में रामलीला हुई, और ये साल दशहरा में जब रामलीला हुई ना, तो रावण के एंट्री हो रहा है बुलेट में, रावण और रावण के पूरा फौज है 10-15 बुलेट में आज धक धक धक, और पीछे से जय लंकेश ऐसे ही है। हमारे कॉलोनी में बड़े से रावण, मतलब अभी तक की जिंदगी के सबसे बढ़िया दशहरा में साल मना है, बहुत बढ़िया रामलीला हो रहा है। जिम्मे मोला राम के भाग लेकर बोले रही से, पर मैं अपन व्यस्तता की वजह से नहीं ले पा रहे हूँ, लेकिन बहुत मजा आ रही से, बहुत मजा आ रही से। अपन देख सकते हो गार्डन वगैरह देख सकते हो भोलेनाथ के सामने में। होना चाहिए क्लब हाउस होना चाहिए, जहाँ आदमी कभी जिम जा सके, कुछ हो सके, तो बगल में ही चार घर के बाजू में ना क्लब हाउस है, तो दौड़ के चलते ना आ जाओ। और घर के सामने की हिस्सा है, ये पूरा ये चीज ग्रीन है और उसी ग्रीन है, और सुन देखा था अपन देख सकता हूँ दिल्ली भाई ना। ये हाथ पाँव में घूमना पूरा ऑक्सीजन एकदम भरे हुए ऑक्सीजन ऑक्सीजन काम की झाड़ पूरा। बैडमिंटन कोर्ट है यहाँ, बैडमिंटन जब नहीं खेलता है ना तो बच्चा मतलब स्केटिंग सिखा बार एक टीचर आते हैं, तो बेटी यहाँ स्केटिंग भी सीखते हैं, बढ़िया स्केटिंग अच्छा करे लाते हैं बेटी। क्लब हाउस क्लब हाउस बहुत बड़े लॉन है, जहाँ अगर छोटे मोटे फंक्शन होते, बर्थडे पार्टी, सगाई, छोटे मोटे शादी तक नहीं पड़ जाते बीच में, मतलब बाहर जाए जरूरत नहीं पड़े, यही के लॉन में हो जाते। ये बैंक्वेट हॉल है, यहाँ छोटे मोटे कार्यक्रम करना हो ना, हमारे बल्कि छोटे मोटे फंक्शन छठी वट्ठी या कुछ कॉलोनी के पार्टी वगैरह है या मीटिंग वीटिंग है, यहाँ कर लेते हैं। बढ़िया साउंड सिस्टम है, कभी कभी गाना के शौक है ना, यहाँ कराओके सिस्टम भी लगे हैं, तो कराओके सिस्टम से अपन गाना का शौक भी पूरा कर रहे हैं। हाँ बढ़िया सिस्टम लगे हैं कराओके। पीछे किचन वगैरह है, यहाँ जब पार्टी होती है पीछे किचन, फ्रिज व्रिज है, स्टोर रूम है, तो वहाँ पे सब व्यवस्था है।
टेबल टेनिस से चेस खेल सकत हूँ। ये देख सको तो संगवारी हो, ये सर के कॉलोनी के ये जिम हॉल हरे, और यहाँ इस ये पूल गेम ऐसी जिम है, आप देख सकते हो।